कुछ भी सुविधा नहीं देते हैं। क्या सुविधा देते हैं? बस खाली वोट मांगने आते हैं, वोट ले लेते हैं, बस भगा देते हैं। उनका पानी आ रहा है हमारे दरवाजे के वहाँ, और उससे हम इतने परेशान हैं कि कई कहें उससे हमारे को सबको पूरे घर को डेंगू बुखार हो गया। अब जैसे भी जी रहे जी रहे, जो भी कोई सरकार करेगी देखेंगे, तो पड़े हैं कचरे में। आज़ादी के 75 बरस बीत गए हैं, लेकिन खरगोन का ये इलाका आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के जलुत पंचायत के सोनिया नगर क्षेत्र में, जहां करीब 400 से 500 लोगों की आबादी रहती है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। न तो यहाँ पक्की सड़क है, न ही साफ पानी पीने के लिए है, और न ही बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। बहरहाल यहाँ के लोग आज भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। रात को ये पूरा इलाका अंधेरे में कहीं खो जाता है और लोगों को आने जाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये रोड है, लेकिन यहाँ पर रोड में पूरी तरीके से गड्ढे हैं और गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ है, और ये कीचड़ सिर्फ बारिश के समय नहीं रहता है, पूरे साल इसी तरीके से यहाँ बना रहता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, हॉस्टल भी बना हुआ सरकारी यहाँ पर, वहाँ के बच्चे भी यहीं से निकलते हैं, पास में प्राथमिक स्कूल है। छोटे छोटे से नन्हे नन्हे बच्चे इन्हीं कीचड़ों से निकल करके जाते हैं, घर से तैयार होते हैं, लेकिन इस रास्ते से निकलते समय कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ता है तो गिर जाते हैं, और कई तरह की समस्याएँ यहाँ के लोग झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान यहाँ कहीं गुम हो जाता है, न तो यहाँ नालियाँ हैं और न ही किसी प्रकार की कोई सुविधाएं इन लोगों को शासन की यहाँ पर मिल पाती है। चलिए हम लोगों से ही जानते हैं किस तरीके की समस्याएं वो झेल रहे हैं और आज तक इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पाया है। सबसे मेन समस्या तो कीचड़ है, और ये रात में निकलने करने में कई बार गिर जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, और बारिश में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। पानी कुएं का मिलता है, हेडपम्प का मिलता है, हेडपम्प के पास भी नाली नहीं है तो वो गंदा पानी सब वहाँ जाता है। क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग तो 20 साल से झेल रहे भैया ये सब समस्याओं का। नर्मदा का जल भी नहीं है, न रोड भी ऐसे ही है, यहाँ से वहाँ तक ख़राब झेल रहे। अब जैसे भी जी रहे, जो भी कोई सरकार करेगी देखेंगे, नहीं तो पड़े हैं कचरे में। शासन की सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलता, योजनाएँ मिलती है कुछ, उनका लाभ मिलता है क्या? कंट्रोल का अनाज मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाता। बस आखिरी बार ये सड़क कब बनी थी यहाँ? इसको तो करीब 20 साल हो गए बनने को, छात्रावास बना था उस समय बना था, उसके बाद कुछ नहीं बना यहाँ पर। अरे ये पानी के वजह से गंदा पानी है, लेटरिंग और बाथरूम का पानी आ रहा है हमारे दरवाजे के वहाँ, और उससे हम इतने परेशान है कि कई कहें उससे हमारे को सबको पूरे घर को डेंगू बुखार हो गया, और हम इतने परेशान गरीब इंसान कि हम कुछ भी बता नहीं सकते, इतने परेशान हैं हम। ऐसे कैसे रहता हमेशा? हमेशा ऐसे ही रहता है, 12 महीने के लिए ये परेशानी है। और बढ़ जाती होंगी, और बारिश में ज्यादा बढ़ जाती है, पानी घर में आता है। इसका पानी अच्छा मिलता है? नहीं मिलता, पीने का पानी हमारे को गंदा मिल रहा है, उसमें कीड़े आ रहे हैं, और वो पानी हम पी रहे हैं, और वो पानी से भी हम बहुत परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। ये मना कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं, ये कई में नहीं है क्योंकि ना ये नगर पालिका में है ना पंचायत में है, ऐसा बोल रहे हैं लोग, न कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। कार्यक्रम के लिए नाला नहीं दिखता है, चुनाव के समय नेता आते हैं, नेता आते हैं बस वोट लेके भग जाते हैं, बोले तो जलूद में है ये तो वो है, न कहीं नहीं लाभ देते हमको, क्या लाभ देंगे? कुछ भी नहीं, कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला आज तक हमको, क्या देते? इधर से भगाते उधर से भगाते, क्या देते? बीच में अटका दिया हमको, तो सुविधाएं कुछ नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं देते, क्या सुविधा देते? बस खाली वोट मांगने आते हैं, वोट ले लेते हैं, बस भगा देते हमको, और भी हमारे मकान टूट पड़ फूट रहे हैं, क्या दे रहे तुम हमको? सब आवास योजना में नाम दे रहे हमको, क्या दे रहे? क्या दे रहे? कुछ भी दे रहे? देख रहे हैं यहाँ पर खंबे लगे हैं, लाइट है? लाइट नहीं है, लाइट थी लगाई थी 4-8 दिन चली और वापस बल्ब छोटे हो गए, पर उसको बदलने कोई नहीं आया, पूरा अंधेरा यहाँ से वहाँ तक रहता, लोग यहाँ इतने गिरते पड़ते है, पर कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, शासन की जो ये आवास योजना है मकानों की और जो शौचालय बनाने की, उनका अभी कुछ भी लाभ नहीं मिला इधर, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, नाले वगैरह तो खरीद लिया है, लोग आज भी बाहर ही जाते हैं, बाहर जी जो अच्छे थे जिन्होंने बना लिए के लिए नाला दिखता है, पूरे जंगल में जाते हैं। ये क्या समस्याएं हैं इस जगह में और क्या इलाका कहलाता है ये? सोनिया नगर कहलाता। क्या समस्याएं झेल रहे हैं यहाँ के लोग?
यही देखो रास्ता भी कैसा है बना हुआ है, और ये हेडपम्प पे देखो स्थिति क्या बनी हुई है। कोई वो पानी पीने की जगह के लिए पाँव रखने की जगह नहीं है, इतना तो उसमें कीचड़ भरा हुआ है। तो कहाँ से आता है पीने का पानी यहाँ पर? ये कुएं का आता है पास से, और पास में नाला भी है, वहाँ से सपोर्ट हो जाता कुएं में। मतलब गंदा पानी पी रहे हैं लोग। और क्या है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था है? नहीं कुछ नहीं, शासन की कोई योजना नहीं मिल पाई? कोई नहीं मिली, खुले में जाते हैं। हाँ देखते हैं रात का समय, ये पूरा इलाका जो अंधेरे में रहता है। हाँ सर, ये अंधेरे में रहता है ना, कुछ कोई बल्ब वगैरह कुछ नहीं है। रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और इसके अलावा पानी की भी बहुत दिक्कतें हैं। पानी एकदम नाली का गंदा पानी आता है, उसी को पीते हैं, बहुत समस्या है, और फिर बीमार पड़ते हैं फिर वही। प्रशासन या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, बहुत से बार आते हैं चले भी जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों से हमने यहाँ पर बात की है और उनके समस्याएं जानने का प्रयास भी किया। अधिकांश लोगों ने यही बताया है कि न तो यहाँ सड़क की उचित व्यवस्था है और न ही पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। कुएं का और हैंडपम्प का गंदा पानी पीते हैं, कुएं के बगल में ही गंदा नाला निकलता है और उसे नाले का पानी रिंज कर कुएं में जाता है, और बिना फिल्टर होकर के वही कुएं का पानी यहाँ के लोगों को पीना पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं। सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, तस्वीरों में आपने देखा ही है किस तरह की यहाँ खस्ता हाल सड़क है, और जब से ये बस्ती यहाँ बसी है तब से आज तक यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाई है। हॉस्टल बना था 2000 या 2002 के आसपास में, तभी यहाँ पर एक सड़क का निर्माण हुआ था, वो भी हॉस्टलों के जो विभाग है उसके द्वारा कराया गया था, लेकिन पंचायत और नगरपालिका के स्तर पर यहाँ आज तक कोई सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाए हैं। बहरहाल लोग आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कचरे के अंदर रह रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ टिंचिंग ग्राउंड बना है नगर परिषद का, और आए दिन बदबू आती रहती है, और उसी बदबू के साथ गंदा पानी पीकर इस दुर्गम सड़क से होकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। शासन की कोई सुविधा का यहां लाभ नहीं मिला है, पीएम आवास से लेकर शौचालय तक यहां किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला है। केवल नाम मात्र के लिए कंट्रोल से अनाज मिलता है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।